नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर शोर थोड़ा आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हम आ चुके हैं गाँव, तो गाँव में अगर शोर ना हो तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग गाँव में हैं। और कहते हम लोग आए हैं भागवत पर शामिल होने के लिए। हमारे घर पर भागवत है, आप सभी लोग जान रहे होंगे। तो जहाँ पर भागवत स्टार्ट होनी है, यानी जहाँ पर भागवत बैठेंगी, वो जगह चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। और काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग ज़रूर उसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे महादेव जी का मंदिर है, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये हमारे ही गांव के बिल्कुल बाहर पड़ता है। और ये जो आप गोल सा देख रहे हैं चबूतरा ना, ये कुआं है। अब कुआं टाइम पे बंद कर दिया गया है। और ये संस्कृत विद्यालय है, यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। और ये जो ऑरेंज कलर का कलर जिसपे हुआ है, ये दो रूम आप देख रहे हैं, ये मेरे ससुर जी ने बनवाया है। इसको रैन बसेरा कहते हैं, जैसे रात किसी को ठहरना हो या किसी के बारात आई हो, ये हमारे ससुर जी टहल रहे हैं, देख लीजिए। और चलिए महादेव जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। और देखिए जो मजदूर लगे हैं, पापा यहाँ पर रंगाई पुताई का काम करवा रहे हैं महादेव में। तो ये देख लीजिए हमारे शंकर भगवान जी हैं, कितनी बड़ी इनकी लाट है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आपका भी भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा करें। और यहाँ माता पार्वती और गणेश भगवान बैठे हैं, और ये हमारे नंदी जी हैं। और यहाँ पर देखिए संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर देखिए पापा जी गए हैं देवी जी के मंदिर, तो ठीक महादेव के सामने ही देवी जी का मंदिर है। ये सब मजदूर लगे हैं यहाँ पर, रंगाई पुताई का काम देखिए चल रहा है मंदिर में, सफाई का काम पापा करवा रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख से हमारे घर भागवत बैठेगी। और ये देवी जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और जो बजरंग बली आपको दिख रहे हैं, तो आपने एक ब्लॉग मेरा देखा होगा इनका, इनको हम लोग अयोध्या जी से लेके आए थे, तो यहाँ पर पापा जी ने स्थापित करवाया था। पापा हमारे और देवर दोनों मंगलवार का व्रत रहते हैं, तो बजरंगबली जी की पूजा हमारे घर बहुत होती है। और ये जो रूम देख रहे हैं गोसाई आजी का है, यहाँ पर एक आजी रहती है, यानी कि दादी रहती हैं, जो मंदिर की देख रेख करती हैं, मंदिर में पूजा पाठ नियम से करती हैं। और यहाँ पर लोग बाग जैसे भंडारा करते हैं, तो यहीं पर खाना बनता है। इस मंदिर में सब सुविधाएँ हैं। और बच्चे देखिए खेल रहे हैं यहीं पर, भाभी भी आई हुई है अपने बाबा के साथ। और मेरे गले में देखिए खराश है, अगर आवाज़ थोड़ी गंदी लग रही होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा आप लोग। तो देखिए मज़दूर कैसे रंगाई पुताई कर रहे हैं, पूरा मंदिर को पापा ने साफ करवाया है अच्छे से। और ये देख लीजिए शिव चालीसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पत्थर जो हैं तो ये सब लोग मतलब मिल के गाँव में लगवा देते हैं। तो यहाँ पर एक पत्थर देखिए हमारे पापा जी के भी नाम, पापा जी ने उस पर पैसे दिए थे, मतलब जो भी क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा, पापा जी ने ही मतलब ये पत्थर यहाँ पर लगवाया था। और देख लीजिए यहाँ पर भूमि ने शायद सही से नहीं रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर एक पत्थर पापा जी ने भी अपने उससे लगवाया था। ये देखिए पूरा महादेव का मंदिर है। और ये जो रूम देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये मज़दूर लगे हुए हैं, ये रूम पापा ने अपने पैसों से बनवाया है। पूरा रूम पापा ने बनवाया है कि कोई भी गरीब रात में यहाँ ठहर सकता है, और या किसी के घर शादी ब्याह है बारात ठहर सकती है। देख लीजिए ये भी है इधर, तो पापा काफ़ी ऐसे काम करते रहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए भूमि भाभ्या भाभ्या और कल्लू प्रसाद हमारे खेल रहे हैं। तो ये जो चौकी हैं सब पापा डलवा दिए हैं, क्योंकि यहीं पे भागवत स्टार्ट होगी, तो जो कथा कहने महाराज जी आएंगे वो यहीं पे रुकेंगे। तो हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो यहीं पे मतलब ठहराया जाता है। और ये जो है ये संस्कृत विद्यालय, यहाँ पर सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। और ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो ये संस्कृत विद्यालय है। तो इसी तरीके से हमारे देख लीजिए पूरे महादेव जी का जो ये लुक है इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर जैसे छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं उसी के लिए ये मतलब स्टेज जैसा बना दिया गया है। और आइए यहाँ पर देखिए ये यज्ञ होता है, हवन कुंड है, देख लीजिए कितना बड़ा है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चाहे तो हवन करवा सकता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर पेड़ किस तरीके से फैले हुए हैं। तो भाई हिंदू धर्म में तो पत्थर हर कणकण में भगवान विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर भी वही हाल है। और ये देख लीजिए तालाब, अब गर्मी का मौसम है तो तालाब में पानी थोड़ा हो चुका है कम, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और जो पीछे बड़े बड़े आप लोग पेड़ देख रहे हैं, सब बाँस के पेड़ हैं, हम लोग इसको बसवार कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बाँस के पेड़ हैं। और ये देख लीजिए ब्रह्म बाबा हैं, जो पीपल का काफ़ी बड़ा पेड़ देख रहे हैं, ये ब्रह्म बाबा हैं। और इसका चबूतरा भी हमारे पापा जी ने ही बनवाया था। तो ये देखिए, और तालाब का पानी तो सूख चुका है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मंदिर देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, और भागवत हमारी यहीं पर होगी।
तो आपको हमारा मंदिर कैसा लगा है प्लीज़ हम लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़ जाइए जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए भूमि से भी मिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भूमि ने ही वीडियो यहाँ पर बनाया था, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आई नहीं थी, यहाँ पर सब मज़दूर लगे हुए थे, तो हम लोग तो इतना घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि ससुराल तो ससुराल होता है, तो मैं नहीं आई थी। भूमि अपने बाबा के साथ आके यहाँ पर वीडियो बना रही थी, और पापा जी देख लीजिए ऐसे ही टहल रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं कौन मज़दूर कितना काम कर रहा है, और गले में काफ़ी ज़्यादा खराश हो रही है, जुखाम मुझे लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि पानी चेंज हो चुका है, तो फिर जुखाम का डर तो लगा ही रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पापा जी भी पूजा कर रहे हैं, और पापा तो पूजा पाठ हमारे बहुत ही ज़्यादा करते हैं, हमारे घर में हर कोई पूजा पाठ करता है क्योंकि सबको भगवान के ही शरण में बने रहना चाहिए, तभी मानव जीवन का उद्धार होगा, तो भगवान से बढ़कर तो कोई है नहीं। आइए आप लोग भी महादेव जी के दर्शन कर लीजिए, और जो मनोकामना हो भगवान भोलेनाथ आप लोगों की भी मनोकामना पूरी करें और खूब सारा आशीर्वाद आप लोगों को दें। तो देख लीजिए ये लाट कितनी बड़ी है, और देखिए कितनी चमकदार है, कितनी साफ़ सुथरा है, कितना इस लाट का हम सब लोग ध्यान रखते हैं, पूरा गांव यहीं पर आके रुद्राभिषेक जल अभिषेक सब यहीं पर होता है, वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए रंगाई पुताई इसी तरीके से चल रही है, और ये जो बड़ा सा चबूतरा देख रहे हैं ये कुआँ है, तो अब यहाँ पर कुआँ तो है लेकिन बच्चों का गिरने का डर रहता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए गए हैं। तो अब पापा घर के लिए देखिए निकल रहे हैं, गाड़ी के पास आ चुके हैं, और बच्चे देख लो घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खूब खेल रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।